नमस्कार, मैं रविश कुमार। समस्या की भावुकता इतनी संभावनाएं पैदा कर देती है कि हर पक्ष आराम से अपनी अपनी रोटियां सेक लेता है। कश्मीरी पंडितों की वापसी का मसला ऐसा ही है, जिनके बीच बातचीत से इस मसले का हल होना है उनके बीच सीधे या ईमानदारी से बात होती नहीं है, लेकिन जिनका संबंध सीधा संबंध इस मसले से नहीं है उनकी राय भी इतनी सख्त है कि आप वहां सुलझा लेंगे तो यहां उलझ जाएंगे। है ही ये मामला इतना जटिल क्योंकि सबको इसकी जटिलता की आड़ में कुछ ना कुछ ना करने के साथ साथ राजनीति करने का भरपूर मौका मिल जाता है। हमारे सहयोगी जफर इकबाल ने जम्मू में रहने वाली 23 साल की रोमी कॉल से बात की। रोमी इस दुनिया में आई भी नहीं थी कि उनके माँ बाप को 90 के दशक में घाटी में अपने घर को छोड़ जम्मू के इस एक कमरे में आकर पनाह लेनी पड़ी थी। इस एक कमरे में 10 लोग रहते हैं। वापसी का रोमांच असुरक्षा के ख्याल से फीका पड़ जाता है, तब भी सब लौटना चाहते हैं। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने वापसी के लिए प्लान बनाया कि राज्य और केंद्र की सरकारें नौजवान कश्मीरी पंडितों को 6,000 नौकरियां देंगी। वहां पहले चरण में जब भर्ती का विज्ञापन निकला तो 15,000 ऐसा बताया गया है कि आवेदन आ गए। अपनी रिपोर्ट में जफर इकबाल कहते हैं कि 5 साल पहले जो 1200 लोग इसमें से बहाल हुए वो उन्हें प्रवासी शिविरों में रहना पड़ रहा है। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, उनके राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र तक नहीं बने हैं। बीजेपी और पीडीपी सरकार ने आते ही 3,000 नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने बजट में भी करीब 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसी भी जगह या जमीन से उजड़ने या बिछुड़ने का तजुर्बा है तो आप दर्शक भी चाहेंगे कि एक दिन आपकी भी वापसी हो। ऐसे ही किन्हीं संदीप भट्ट से जब जफर इकबाल ने बात की तो उन्होंने कहा कि हम बाजार या अन्य जगहों पर जाते हैं तो किससे मिलते हैं, किसी न किसी से मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसी कॉलोनी बने जिसमें ना सिर्फ पंडित रहें बल्कि दूसरे लोग भी रहें, दूसरे मजहब के लोग भी रहें। हुआ यह कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से कहा कि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करा कर दे जहां हम कंपोजिट टाउनशिप बना सकें। सवाल पूछा जाने लगा कि यह टाउनशिप कैसा होगा, क्या आइडिया है, क्या यहां सिर्फ कश्मीरी पंडित रहेंगे या अन्य लोग भी रहेंगे। इस बहस में फिर से वही सारे तत्व कूद पड़े। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार घाटी में कंपोजिट टाउनशिप बसाने के लिए जल्द से जल्द जमीन का अधिग्रहण करके दे देगी। विपक्ष ने जब विरोध किया तो अगले दिन पलट गए। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि अलग टाउनशिप तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बता दिया है कि संभव होगा तो सभी एक साथ रहेंगे वरना नहीं। वे प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पंडित वापसी करें और माहौल इसके लिए अनुकूल बने। जिन्होंने घर नहीं बेचा है उनके घर मिल जाए। लेकिन ऐसे ही एक कश्मीरी पंडित ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के कई साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने उनके मकान के कब्जे को वापस लेकर उनके कब्जे में नहीं दिया है। पुराना घर कितनों के पास बचा है, ये एक सवाल है। मुफ्ती मोहम्मद सईद से उलट गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया वो अब नहीं बदलेगा। बीजेपी के महासचिव राम माधव कहते हैं कि धीरज रखना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से टाउनशिप का जो सुझाव दिया था अब ये कंपोजिट होगा या इसमें एक टाउनशिप में एक ही तरह के समुदाय रहेंगे ये एक अलग मसला है। साझा कार्यक्रम के तहत समुदाय यानी कश्मीरी पंडितों से मशवरा किया जाएगा। जनवरी 2014 में दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के संगठन ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें चुनाव जीतने की शुभकामनाएं दी थी और कश्मीरी फिरन पहनाया था। इन संगठनों ने कहा था कि जीतने के बाद वे मिलकर अपनी समस्या और सुझाव बताना चाहेंगे। पन्नून कश्मीर, जम्मू कश्मीर विचार मंच, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, कश्मीरी समिति वगैरह, इनमें से एक संगठन के एक सदस्य से बात की तो पता चला कि केंद्र सरकार ने इनसे बात नहीं की है। बाकी संगठनों की तरफ से मैं दावा नहीं कर सकता ना पुष्टि कर सकता हूं कि केंद्र सरकार से इनकी बातचीत हुई है या नहीं, लेकिन यह पता चला कि वापसी के तरीके को लेकर इनकी राय अलग है। बिना इन संगठनों को विश्वास में लिए उनके भविष्य के बारे में कैसे निर्णय लिया जा रहा है। किसी का कहना है कि अलग इलाका दे दीजिए, उसे केंद्र शासित जैसे अधिकार दे दिए जाएं, और कुछ का कहना है कि घाटी से लेकर जिले तक में क्लस्टर यानी मकानों का झुंड बना दिया जाए जहां कम से कम 30-35 हज़ार पंडित रहें ताकि असुरक्षा की भावना कम से कम हो। सुरक्षा का मतलब सेना या पुलिस ही नहीं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक घुलना मिलना भी है। बिना राजनीतिक आवाज के कोई सुरक्षा मुकम्मल नहीं हो सकती। एक मिसाल बडगाम के शेखपुरा में बने 200 फ्लैट की दी जा रही है जहां 30 से अधिक फ्लैट में मुस्लिम परिवार रहते हैं। सिद्धार्थ वरदराजन ने लिखा है कि इसका सामाजिक अध्ययन करना चाहिए। क्लस्टर की योजना तो पिछली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की भी थी लेकिन अब वो इसके खिलाफ है। अनुपम खेर ने एक इसमें लगा दिया है कि बत्ती की पहला स्मार्ट सिटी श्रीनगर में ही कश्मीरी पंडितों के लिए बनना चाहिए। कश्मीर गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब प्लान नहीं बदला है उनका, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्लान है ही नहीं।
नौकरियों के कारण वापसी हुई नहीं है, क्या बस्तियां बसाकर हो जाएंगी? इसके अलावा जिस माहौल और विश्वास की जरूरत है उसे क्या हम आप नेताओं के अलावा भी मिलके बना रहे हैं? पॉलिटिक्स हो रही है या वाकई हम ऐसी किसी योजना के करीब पहुंच गए हैं जिससे ये सब संभव है? राहुल पंडिता हैं हमारे साथ, पत्रकार और लेखक। संबित पात्रा हैं प्रवक्ता बीजेपी के। तनवीर सादिक साहब हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं। वहीदुर रहमान पर्रा साहब हैं, आप पीडीपी के प्रवक्ता। और रविंद्र शर्मा जी हैं मुख्य प्रवक्ता जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। प्रवक्ताओं की बातों में बात खो जाए इससे पहले राहुल आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है कि वहां पर एक अपार्टमेंट बना दिया जाएगा या एक बस्ती बना दी जाएगी और उसको लेकर ये सारी चीज़ें हो रहा है, उसमें आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ अपने पक्ष से कुछ तस्वीर बता सकते हैं क्या? बात हो रही है कश्मीरी पंडितों की वापसी की। उसमें देखिए, कश्मीरी पंडित समुदाय जो है निर्वासन में है 25 साल से। 25 साल में हमने सिर्फ इस बात को सुना है केंद्र सरकारों से भी, और जम्मू कश्मीर में 1996 से जो भी राज्य सरकारें बनी हैं उनसे हमने ये सिर्फ सुना है कि कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित्स। यही बात सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी कहते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे आज के बयान, तो जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, सेपरेटिस्ट पार्टी जो हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो हैं और मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी जो हैं, वो इस मुद्दे पर एकजुट हो गई हैं। उनका कहना यही है कि हम कश्मीरी पंडित आने चाहिए लेकिन ये गेटोइजेशन नहीं होने देंगे। लेकिन गेटोइजेशन क्या होता है साहब? गेटोइजेशन तो ये है कि ये जो कंपोजिट कल्चर की बात, इस बात को आज साफ कर देना चाहिए कि ये जो कंपोजिट कल्चर के बारे में आज जो लोग बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी के सख्त खिलाफ है। अब ये जो फॉर्मूला नई सरकार ने निकाला है, ये टाउनशिप्स का मामला, मैं कहूंगा ये अपने आप में एक संपूर्ण फॉर्मूला नहीं है, ये अंतिम हल नहीं है, लेकिन कम से कम ये एक फुटहोल्ड है कि 25 साल से सिर्फ जो हमने बात सुनी है और हम भी अपने घर वापस जाना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन बमजई का एक लेख देखा मैंने, वो कहते हैं कि वो फिर से उसी सुरक्षा और पुलिस और सेना के माहौल में, कम से कम एक फुटहोल्ड तो मिलेगा। हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं लेकिन बतौर टूरिस्ट की दृष्टि से नहीं जाना चाहते। वहां पर मैं जाता हूं या मेरे परिवार जाता है या कोई भी मेरे मित्र जाते हैं, तो हम वहाँ एक हफ्ते किसी होटल में रुकते हैं या दो हफ्ते किसी होटल में रुकते हैं, जिसमें वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ होटल किराए पर लेते हैं, वहाँ से कारपेट भी खरीदते हैं, वहाँ के इकॉनमी में हम भागीदार भी बनते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं बात बताऊँगा आपको संक्षेप में। अब देखिए कि ये सभी कश्मीरी पंडितों का अनुभव रहा है अभी तक, ये पिछले कई सालों से, जब आप जाते हैं और आप वहाँ पर आपको कोई टैक्सी वाला एयरपोर्ट पे आता है लेने, और वही आपको एयरपोर्ट पे वापस छोड़ता है या बस स्टेशन पे छोड़ता है, तो वो सबसे पहला सवाल उसके सबकॉन्शियस में यही होता है, आप कब जा रहे हैं वापस? तो एक हफ्ता उनको भी मालूम कि एक हफ्ता रहेंगे, दो हफ्ता रहेंगे, यहाँ के कारपेट खरीदेंगे, ड्राई फ्रूट्स खरीदेंगे, लेकिन उसके बाद वो वापस जाएंगे। तो एक रिएक्शन उसका, एक पर्यटक की दृष्टि से अगर आप जाते हैं तो उसका रिएक्शन एक होता है, वहां फेयरवेल भी होगा एयरपोर्ट पे, गले भी मिलेंगे, आंसू भी निकलेंगे। लेकिन जैसे ही कोई कश्मीरी पंडित ये कहेगा कि साहब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस आ जाऊँ, वापस का मतलब है कि मैं वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में एक जॉब का भागीदार भी बनूँ, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ूँ मैं, ये रिएक्शन जो है एकाएक चेंज हो जाता है, वो रिएक्शन वही नहीं रहता है जो एक पर्यटक को मिलता है। परासा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सरकार में हैं वहाँ पे, कि मुझे ये बताइए कि पहले आपने कहा कि हाँ ये आइडिया सही है, फिर आप कहते हैं कि ये कंपोजिट फ्लैट वाला नहीं है। अब मुझे ये बता दीजिए कि कितने लोगों के पास वहाँ पर जो निर्वासित कश्मीरी पंडित हैं उनके घर वहाँ पर बचे हुए हैं? दुनिया जानती है, आप और बेहतर जानते होंगे कि घरों पर कब्जा हो गया है, जिनका कब्जा नहीं हुआ वो मजबूरी में उनको बेचना पड़ा, घर नष्ट कर दिए गए हैं। तो जो चीज़ है नहीं उसके हवाले से उनकी वापसी का आप रास्ता कैसे दिखा रहे हैं? देखिए, पहले मैं ये बता दूं, जो राहुल साहब ने कई चीजें कही तो एक जेन्युइन सी ग्रीवेंस है वहां पर, जो हमारे मिसप्लेस्ड या डिसप्लेस्ड कश्मीरी भाई है, अब हम उनको पंडित बोलते हैं लेकिन है तो कश्मीरी हम सब के लिए, ये जो कश्मीरी इस वक्त कश्मीर में नहीं है, जेन्युइन ग्रीवेंस वहां पे है। और बड़ा दुख हमें भी है कि हमने मतलब एक कश्मीर का जो एक अपना माहौल है वो खो दिया है। आज हमें डिबेट करना पड़ता है कि कश्मीर के लोग जो हम जैसे लोग हैं उतना ही हक इनका है कि ये कहाँ रहेंगे, और ये खुद तय नहीं कर सकते हैं कि हम कहाँ रहें, स्टेट तय करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है,
और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तय करती है, जबकि ये प्रोसेस होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच। और राहुल जी खुद यहां के बाशिंदे हैं, यहां के स्टेट सब्जेक्ट हैं, इनको किसी से इजाजत नहीं चाहिए। पहली बात ये हमारा एक जो इसमें क्लियर एक स्टैंड है कि दे डोंट नीड एडवाइस वेयर टू लिव। क्वेश्चन इज ऑफ ये जो री इंटीग्रेशन ऑफ डिसप्लेस्ड और मिसप्लेस्ड पंडित्स की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर कश्मीर में ये लोग जब निकले तो इनसिक्योरिटी थी, आज की तारीख में भी जम्मू कश्मीर में काफी जगह है सेटेलाइट टाउनशिप बने हुए है या गेटोज बने हैं, राहुल जी को भी पता है, पिछली सरकार ने भी बनाए। जम्मू में, कश्मीर में, पुलवामा में जहां मैं रहता हूं वहां पे भी एक कॉलोनी है जहां एक्सक्लूसिवली पंडित्स रहते हैं। हमने बाहर सिक्योरिटी रखी है, उनको इनसिक्योरिटी है, डर है, खौफ है, हम सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, उससे भाईचारा नहीं बढ़ेगा, इंटीग्रेशन नहीं बढ़ेगा। अगर वही प्रोसेस फिर से करनी है तो हम इनको वापस ही क्यों ला रहे हैं? वापस लाने का मकसद है इनको सोसाइटी में लाना। बुधवार को सहमत हो जाते हैं, बृहस्पतिवार को पलट जाते हैं, मुझे ये बताइए ना कि अगर वो नहीं बुधवार को, बुधवार को है ना, बुधवार को नहीं करना है तो क्या करना है? मुझे एक बात बताइए, अगर राहुल को जाकर वहां जमीन लेकर रहनी है तो आप कहां देने वाले हैं जमीन? कहीं तो देंगे, और जहां भी देंगे वहां पर क्या कहेंगे कि आप बगल वाला कश्मीरी पंडित नहीं खरीदेगा और ये वाला नहीं खरीदेगा? बुधवार को जो स्टेटमेंट आया था, मैं बता रहा हूं आपको, बुधवार को जो स्टेटमेंट आया था कि कंपोजिट सोसाइटी बनेगी, विच मींस इंक्लूसिव सोसाइटी वेयर राहुल एंड आई कैन लिव टुगेदर। इफ यू वांट अस टू बी सेपरेटेड, व्हाट इज द फन ऑफ ब्रिंगिंग मी हियर? मैं हम चाहते हैं हम एक साथ रहे। आप मुझे बताएं, अगर इनको अलग ही रहना है फिर तो दिल्ली में ठीक है, नहीं, अब कश्मीर में तो आने का मकसद क्या है? व्हाट इज द होल एम ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक? अगर ये कंपोजिट कल्चर की बात होती है तो ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर में वो धारा 370 के बारे में क्यों बात करती है? अगर रहना ही है सबको मिलजुल के रहना है तो अगर कश्मीर भारत का एक हिस्सा है तो भारत का कोई बाहर के आप अगर कश्मीर में जमीन क्यों नहीं खरीद सकते? सबको भाईचारे से रहना है तो आप क्यों नहीं खरीद सकते? तो ये कश्मीर के बारे में ये जो गेटोइजेशन कर रहे हैं ये भी गेटोइजेशन का एग्जांपल है। जो 1990 में एथनिक क्लेंजिंग हुई उसके बाद कश्मीर क्या है? नहीं देखिए, कश्मीर भी एक मुस्लिम गेटो है, डिबेट का हिस्सा है, इस पर हम नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप मुझे प्लान तो बताइए ना। आप कह रहे हैं कि जिनके घर है उनको दिए जाएंगे 370 एक घर तो दे सकते हैं ना। देखिए अगर आप स्टेट टू स्टेट बात करना चाहते हैं रिकंसिलेशन में या वापस रीइंटीग्रेशन में, बड़ा मुश्किल है। अगर राहुल साहब और हम मिल बैठ के करना चाहते हैं, इट्स अ पॉसिबल। देखिए दिस इज प्रोसेस ऑफ रिकंसिलेशन, इट कांट बी डन बाय गवर्नमेंट। कैसे पॉसिबल होगा? वही तो हम पूछ रहे हैं, बात तो आपके इरादा में, उसमें तो कोई खोट नहीं है, पर हो कहां रहा है? हम कैसे राहुल साहब, अगर आपको खतरा है, हमें नहीं है यहाँ पे, हम तो रह रहे हैं ना आपके बीच। हम आप यहाँ पे जो लोग मरे हैं मेन स्ट्रीम में रह के भी, उनको भी तो खतरा है। दे आर ऑल्सो इक्वली वल्नरेबल, दे आर इक्वली वल्नरेबल। हमारे 600 वर्कर मरे हैं पीडीपी के, दे आर इक्वली वल्नरेबल एज पंडित आर वल्नरेबल। तो बट वी डोंट लीव दिस प्लेस बिकॉज आई बिलोंग टू दिस प्लेस। आपको भी रहना पड़ेगा हमारे साथ, ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे हम जी रहे। पर रहेंगे कहाँ? तो वही तो रहमान साहब, विरासत में मिला है ये जो विरासत में हमें देन मिली है। घर वापस जाना चाहता हूँ तो घर कहाँ है मेरा जनाब? वही तो बता रहे हैं ना, देखिए जो गवर्नमेंट का जो सारा आइडिया है पंडित है, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, मकान या तो जला दिए चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जम्मू और घर बन जाएंगे, आप तैयार, अगर विल है, अगर आपकी विल है वापस आने की, घर बन जाएंगे, मकान बन जाएंगे, हम अपने मकान दे देंगे आपको। आप आना चाहते हैं? आप ये बताइए, आप आना चाहते हैं या नहीं? बिल्कुल आना चाहते हैं, बिल्कुल। मकसद वो है, अगर आप आना चाहते हैं, इट नीड्स विल पावर, इट डज नॉट नीड्स अ गवर्नमेंट पावर। एक सेकंड, अब मैं जरा आपके पता नहीं आप जूनियर पार्टनर हैं कि उधर सीनियर पार्टनर हैं, पर जो भी इक्वल पार्टनर तो हैं, ये जो कंपोजिट टाउनशिप है, आप इस आइडिया पे आप लोगों ने मुकम्मल तरीके से सोचा है कि यही मुकम्मल आइडिया है? देखिए, नो आइडिया इज अ कंप्लीट आइडिया। हमेशा आइडिया में गुंजाइश होती है कि वो आगे और इवॉल्व हो सके। मेन आइडिया है कि किस प्रकार से राहुल भाई को, पूरे कम्युनिटी को, जो मतलब विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने देश में ही अपनों को रेफ्यूजी कहा जाए, उनको कैसे वापस भेजा जाए विद डिग्निटी एंड ऑनर, ये हमारा है। तो डिग्निटी एंड ऑनर में जो भी अमेंडमेंट करना होगा हम करेंगे, सोचेंगे, बैठ के करेंगे। मगर आज देखिए, जैसे आप कश्मीर नहीं गए, मैं गया, मगर मैं कश्मीर के बारे में ज्यादा जानता नहीं। जो नहीं गया उसके ज्यादा राय कश्मीर और राहुल और पर्रा से ज्यादा उन लोगों की राय है जो कश्मीर गए नहीं है। चूंकि आज आपने मुझे बुलाया तो मैंने बहुत सारे अपने कश्मीरी मित्रों को फोन कर करके उनकी राय ली,
और बहुत आश्चर्य का एक मैंने संग्रह किया है लोगों की राय को लेके, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उधर से मैंने भी राय ली है। बिल्कुल, आप मैं भी मैच करा। देखिए, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि देखिए कश्मीर जैसे फ्लड का इवैक्यूएशन होता है, लोग को लाके कहीं रखा जाता है रेफ्यूजी कैंप में, फिर लेके रिहैबिलिटेट किया जाता है, वैसा नहीं है ये रिहैबिलिटेशन। ये सिर्फ रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट नहीं है, ये जस्टिस रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, एक कॉम्पोनेंट जस्टिस का भी है। जब तक आप जस्टिस नहीं देंगे इनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। और एक ठीक है, वो जस्टिस का ही पार्ट है ना, ये जो कंपोजिट टाउनशिप है वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब नहीं मैं इसमें मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। गृह मंत्री कह रहे हैं कि बनेगा, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा तो क्यों आपने सोचा कि ये कारगर है, उसके पक्ष में दलील दीजिए ना। देखिए बता रहा हूँ, या उस पे जो सवाल है वो बोलिए। नहीं, हाँ। नहीं, इसमें मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लाऊंगा, क्यों इनका सेटलमेंट एक बहुत अलग विषय है। मैं जिस व्यक्ति से पूछा उसने कहा देखो जब मैं 10 वर्ष का था तो मेरे घर को आग लगा दी गई, फिर हम लोग आ गए यहाँ पे। उनका कहना था कि जब आग लगाई जा रही थी, बुरा मत मानिएगा मैं बहुत स्पष्ट होकर कहूंगा, आग लगाई जा रही थी तो एक स्लोगन कहा जा रहा था। हाँ। कोई पाकिस्तान से तो आके स्लोगन नहीं कह रहा होगा ना, वो स्लोगन मैं कश्मीरी में कह देता हूँ, सभी कश्मीरी ठीक है, मेरा तो बुरा है, बुला ही रहे हैं ना। अश गच्छ पन्नई पाकिस्तान भट्टा बट्ट बरुस तो है बंटू शान और मून है, मतलब ना, वी वांट आवर पाकिस्तान विदाउट कश्मीरी मैन बट विथ कश्मीरी वुमेन। वो बोला था, अगर इस प्रकार का बयान प्रेजेंट टेंस में बोल रहे थे, प्रेजेंट टेंस में आइए, ये जो कंपोजिट टाउनशिप का बनाने का जो आइडिया है, बताइए ना। हाँ। उस लड़के का कहना है अगर मेरा पड़ोसी यही कह रहा था तो मैं कैसे जाके उसी पड़ोसी के बगल में विद सिक्योरिटी रह जाऊं। तो कुछ तो चिंता उसको करनी पड़ेगी ना। देखिए, उसका यही कहना है, आप जब एक साथ सरकार बना सकते हैं, एक मंत्री क्यों नहीं मंत्री के बगल में रह तभी सकते तो मैंने कहा तभी तो मैंने कहा ये सब इवॉल्विंग प्रोसेस है, चर्चाएं होनी चाहिए। कोई मैं यहाँ फरमान या आप यहाँ फरमान नहीं दे सकते, समझना है कोई फरमान समझना है, सबको समझना है। और ये समझने के प्रोसेस में सरकार शुक्र है भाई, आइए ना इस पॉइंट पे कि ये जो कंपोजिट टाउनशिप का जो प्लान है आपका, वो आपकी नजर में कैसा है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो बहुत सटल वे में समझा रहा हूँ कि केवल एक टाउनशिप बना के मैं राहुल जी को लेके वहां रख दूं तो वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जस्टिस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, आपको उन सब क्षेत्रों को भी एड्रेस करना पड़ेगा। क्या एक कॉम्पोजिट टाउनशिप में कौन रहेगा, बाहर से कौन किस किस को? आप कॉम्पोजिट टाउनशिप का अर्थ क्या होता है, आपने एक टाउनशिप बनाया, आप राहुल जी को तो यहां से ले गए क्योंकि वो विस्थापित है, साथ में किसी और को भी लेके जाएंगे, किसको लेके जाएंगे साथ में? आर्टिकल 370 भी है ना, किसको लेके जाएंगे साथ में? या तो वहीं से किसी को ले आएंगे। आप उनके आइडिया को आप देखिए, मानते हैं कि उसमें सभी धर्मों के लोग रहें। देख, कॉम्पोजिट का अर्थ आप यही कह रहे हैं ना। दूसरा मैं एग्जांपल दे दूं, आपके आइडिया में वो भी है या फिर सिर्फ कश्मीरी पंडित रहेंगे, थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, एक कॉम्पोजिट आप जो टाउनशिप कह रहे हैं, 5 ट्रांजिट कैंप तो है ना, जहां पे जो एम्प्लॉई है कश्मीरी पंडित है वो जाके उनको रखा गया है। अभी वर्ल्ड कप के दौरान क्या हुआ, जब पाकिस्तान जीत गई इंडिया हार गया तो पथराव हुआ ना उनके उस डेरे के ऊपर भी जो सेक्लूडेड है, तो अगर अब वहां ग्रुप में रह के भी पथराव हो जा रहा है तो अगर सेग्रीगेटेड रहेंगे तो राहुल भाई बता सकते हैं, मैं तो नहीं गया, मगर ये सब चिंता का विषय है, मिलके करना पड़ेगा। देखिए, दो चीजें इसमें, दो कंपोनेंट है इसमें। एक तो ये है कि अभी भी ये जो ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट क्या है, ये स्थिति क्लियर नहीं है, ये असमंजस की स्थिति है। कई महीनों से हमने सुना है गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए भूमि अधिग्रहण की जाए और उसको आइडेंटिफाई किया जाए। ये हम काफी महीने से सुन रहे हैं। ये इस टाउनशिप की रूपरेखा क्या होगी, ये कॉम्पोजिट होगा या सिर्फ कश्मीरी पंडितों को इसमें रहने दिया जाएगा, अभी ये प्लान तो काफी फ्लोट हो रहे हैं, लेकिन ब्लूप्रिंट इसका क्या है, इसकी मोडालिटीज क्या है, ये साफ नहीं है। यहाँ पर केंद्र सरकार में भाजपा कुछ और कह रही है, मुफ्ती सरकार लगातार वहाँ कुछ और कह रहे हैं। अभी लेटेस्ट ये न्यूज़ है कि ये इतना मामला गंभीर है, इसको लोग इतनी गंभीरता से मान ले रहे हैं कि जटिलता है, इनके बयान में अंतर होगा, उनके काम में अंतर होगा, वो ठीक है कि पब्लिक पोस्चरिंग के हिसाब से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें, लेकिन अगर एक सेकेंड फिर भी ये समाधान की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं, अगर ये ऊपर से कुछ बोल के नीचे की तरफ ये अगर टाउनशिप बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो वो समाधान की दिशा है या नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि इस पे काफी प्रेशर है कश्मीर वैली पर, और बीजेपी इस मामले में आगे नहीं बढ़ पाएगी। नहीं बढ़, ये मेरा निजी आंकलन है। अभी निजी आंकलन, अभी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाहुद्दीन ने वार्निंग इश्यू की है कि ये टाउनशिप वहां पर नहीं बनने दिया जाएगा,
और मुफ्ती सरकार इसमें प्रेशराइज होती रहेगी. ही ऑल्सो नीड्स टू प्ले टू द लोकल गैलरी. जो लोकल सेंटिमेंट है वो हमेशा एंटी न्यू दिल्ली रहा है वहाँ पर, तो उसको भी प्ले करना पड़ेगा, जैसे अफजल गुरु के मामले में किया, जैसे बाकी जो उनके स्टेट अफसवाक के मामले में किया, तो ये सब चलता रहेगा. ऐसे में कश्मीरी पंडितों का रिटर्न जो है ये बहुत बहुत जटिल मामला है. दो मेहमान बच गए हैं, आप एक दो लाइन में कुछ कह लें तो आप बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे. हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सईद सलाउद्दीन साहब ने तो ये भी नहीं चाहा था कि इलेक्शन हो यहाँ पे, तब भी यहाँ 65% लोगों ने वोट डाले हैं, तो उनका फरमान नहीं चलेगा यहाँ की सरकार पे. यहाँ की सरकार में विल पावर है कश्मीरी पंडित को यहाँ की सोसाइटी में वापस लाने का, लेकिन एक तरीके एक प्रोसेस के तहत, ताकि हम दूसरे एक दूसरे के साथ मिल सके. देखिये, बीजेपी का क्लियर सा एक एजेंडा है कि ठीक है टाउनशिप होना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि जनाब कंपोजिट होना चाहिए. अब एम एक ही है कि कश्मीरी पंडित वापस आए, किस तरीके में आए, दैट इज अ प्रोसेस वेयर यू एंड वी हैव टू सिट टुगेदर, जिसमें राहुल ज्यादा सजेशन दे सकता है लेकिन ना कि राजनाथ जी. हाँ, तो इनका ज्यादा रोल बनता है. तो जिस कश्मीरी पंडित ने मुझे बताया था कि संगठनों से बात नहीं हो, तो हो सकता है कि उनकी बात सही हो. रविंद्र शर्मा जी, अभी एक पर्रा साहब को आपने सुना, नौजवान है, वो कह रहे हैं कि कंपोजिट होगा या फिर टाउनशिप होगा, इन दोनों में मिल बैठकर बात करना पड़ेगा. लेकिन आप बताइए कि आपके समय में भी और आपके और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में भी एक प्लान बना कि हम नौकरियों के जरिए हम वापस करा पाएंगे, लेकिन जो लोग नौकरी करने गए उनकी दिक्कतों का समाधान आप लोग भी नहीं कर पाए, हालांकि वो संख्या में इतने कम थे कि उनकी समस्याओं का समाधान मुझे लगता है कि चाहते तो दो दिन में कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि वो जटिल हो, मैं अनुमान नहीं कर सकता हूँ. आप मोटा मोटी फेल रहे, क्या आपको लगता है कि ये जो समाधान है वो कुछ नया है जो आप नहीं कर पाए थे, नया आइडिया है, इसके फेल होने से पहले इसको मौका देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये एक विचित्र स्थिति है कि दो पार्टियां जिनका गठबंधन जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पे एक बयान होता है, दिल्ली के अंदर दूसरा बयान होता है, पहले इनका रोड मैप क्या है, प्लान क्या है, वो किसी को पता नहीं. और जो जो कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ तक जो बयानात मीडिया में आ रहे हैं, उनके कई संगठन हैं, उनका जो रिएक्शन आ रहा है, उनकी तरफ से भी ये लगता है कि ये बात किसी ने कही जा चुकी है. मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब, इन्होंने हाफ बेक्ड बातें करके ऐसे एलिमेंट्स को मौका दे दिया है जो इस पे राजनीति खेलेंगे. यहाँ पे भी राजनीति हो रही है. आप जिस चीज को राजनीति की नजर हो जाएगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है. रविंद्र जी, देखिए आप जनरल बात कर रहे हैं, मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूँ. आपने भी वापसी का प्लान बनाया था, वो फेल हो गया. आप नौकरियों के जरिए वापस लाना चाहते थे, वो फेल हो गया वो प्लान एक तरह से. हालांकि तब भी लोग गए और जाना चाहते थे यहाँ दिल्ली में, अच्छी खासी तनख्वाहें छोड़कर अपने घर में कम तनख्वाहों पर वो गए हैं, रिस्क लिया है. जो अभी पर्रा साहब कह रहे थे कि राहुल को आना पड़ेगा, तो बहुत लोग गए हैं, राहुल जैसे 1200 राहुल वहां पर गए हैं. मैं ये जानना चाहता हूं कि जब वो कामयाब नहीं हुआ तो क्या आपको इसमें कोई संभावना दिखती है, जो भी सामने है, हमारे सामने है? ये नहीं कह सकते कि वो कामयाब नहीं हुआ. उसमें से अभी भी 1500 के करीब मुलाजिम, जो जानकारी मेरे पास है कि वो कश्मीर वादी में है, उनमें से 70% जो एम्प्लॉज है वो इन क्लस्टर जो काजीगुंड शेखपुरा या बारामूला में इस तरह के क्लस्टर हाउसेज जब वो बनाई गई हैं जगह ट्रांजिट एकोमोडेशन, वो रह रहे हैं. 30% वो लोग हैं जो आउटसाइड इन एकोमोडेशन के भी कश्मीर वादी में रह रहे हैं, ये जानकारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है. और ये एक यकायक ये मसले का हल नहीं हो जाएगा. जो 25 साल चल रहा है, जहाँ से हालात बेहतर हुए, पैकेज हुआ, ठीक है, और ये चीजें एफर्ट्स कंटिन्यू रहे, लेकिन राजनीति नहीं खेलेगी. हाँ. आज मुझे जो लगता है, मुझे आपसे अभी जानना है कि अभी रविंद्र शर्मा भी ये उदाहरण दे रहे हैं, तन्वी पर्रा साहब ने भी उदाहरण दिया कि वहाँ ट्रांजिट कैंप है. अभी संबित भी कह रहे थे कि है उसके जैसा है, जहाँ पे और भी बाहर के लोग वहाँ पे रह रहे हैं. तो इसका मतलब है कि इस आइडिया को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जा सकता है कि वहाँ पे कोई टाउनशिप बनाया जाए. मुझे इसका ध्यान है कि कई लोगों ने दिल्ली में लिखा है, कश्मीरी पंडितों ने, कि ये मुकम्मल आइडिया नहीं है, क्योंकि उनको एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, नौकरियाँ चाहिए, और विधानसभा में आवाज़ चाहिए कि उनके लिए कोई विधायक हो, बोलने वाला हो. इन तीन स्थितियों से पहले की ये जो स्थिति है, मकान देने वाला या टाउनशिप वाला, वो क्यों नहीं बेहतर है आपकी नजर में? आप भी तो क्लस्टर टाउनशिप की मांग करते रहे हैं. देखिए,
देखिए रवि जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे ना, कश्मीर में जिस पे हम हमेशा बात करते हैं वो कश्मीरियत है, और कश्मीरियत तभी आगे चलेगी जब हर कोई लोग एक साथ रहेंगे। मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं एक एरिया में रहता हूं जो मैक्सिमम कश्मीरी पंडित रहते थे, तो इस इलाके में एक मंदिर भी है, एक गुरुद्वारा भी है, एक मस्जिद भी है एक साथ। तो उस तरीके से एक दूसरे के, यहाँ हमारे अपने जो टीचर्स हुआ करते थे वो कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। अब जहां तक बीजेपी और पीडीपी का सवाल है, एक दिन दिल्ली में मिलते हैं राजनाथ सिंह जी के साथ मुफ्ती साहब, और वो एक प्रेस रिलीज आता है कि कंपोजिट टाउनशिप, जिसपे सीधे कोई इसमें कोई दो राय नहीं कि वो कह रहे हैं कि इनको सेग्रीगेट करके रखेंगे। उसके बाद सडनली जब यहाँ कश्मीर में बातें उठती हैं, हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, मुफ्ती साहब सादिक साहब, जो आपका क्लस्टर बसाने का जो प्लान था वो इनके सेग्रीगेशन से कैसे अलग, इस पे बताइए ना। ये तो है, दर्शकों को पता है कि पिछले 6 साल से सेग्रीगेशन के यूनिट्स तो आप ही ने बनाए। 5,000 आप 1500 और लाखों लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप लाखों लोगों को रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप, मैं ये नहीं मान रहा हूं कि लाखों लोग एक दिन में चले जाएंगे। मुझे एक बात बताइए साहब, हम तो ये चाहते हैं कि जो प्लॉट्स है, जो जो इलाके हैं जहां कश्मीरी पंडित रहा करते थे, वहां प्लॉट्स लेके 5-6 लोग एक साथ बने। देखिए मुझे अपने दर्शकों को ये बताना है ये मसला क्या है। आपने जब एक क्लस्टर का प्लान बनाया सबसे, उसमें क्या प्रॉब्लम था, और ये जो प्लान है इसमें क्या प्रॉब्लम है बता दीजिए। आपका वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा, या दोनों एक है? जब तक कश्मीरी पंडित एसिमिलेट नहीं होते हैं सोसाइटी के अंदर, चाहे वो हमारा प्लान था चाहे वो किसी का, वो प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। जो मेजोरिटी कम्युनिटी है जिनको, जो कश्मीरी मुस्लिम है, कश्मीरी एक बात मुझे बताइए, उनको एक साथ रहना पड़ेगा। जो भी है आप पीडीपी या कांग्रेस, मैं आपको एक चीज, अपनी स्थानीय कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने कहा कि पंडितों को आना चाहिए। रवि जी एक सेकंड रवि जी, सिक्योरिटी पर्सनल अगर गन लेकर एक क्लस्टर को या एक टाउनशिप को गार्ड करेगा, वो सिक्योरिटी कश्मीरी पंडितों को नहीं होनी चाहिए। जो उनके पहले प्री 89 वो भी उसी माहौल में जी रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप दोनों की मैं बात कर रहा हूं, मिस्ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं। सुनिए तो मेरा सवाल, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर कहते हैं सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर माहौल बनाने के लिए, जस्ट वन थिंग कहते हैं आप? एक चीज रवि जी, संबित पात्रा ने अभी, मुझे ये बड़ी हैरत की बात है, जो ये दिल्ली में बैठ के कश्मीरियों की बात करते हैं उनको पता नहीं है, 1% लोग थे जिन लोगों ने ये गलती है, सिर्फ 1%, लेकिन 99% कश्मीरी लोग पंडितों को वापस लाना चाहते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए उसके ऊपर ये जो कश्मीरी, जो मेरे सवाल का जवाब छोड़ के आप उन्होंने क्या कहा उसमें, ये बहुत गलत बात है। मुझे एक बात बताइए कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं ये सवाल ठीक पूछ रहा हूँ कि नहीं राहुल, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं कि भाई आप ये सामाजिक सुरक्षा देने का दायित्व हमारा भी है ताकि ये लोग वापस आए, या आप सिर्फ कहेंगे कि राहुल पंडिता को वहां अपना सामान लेके वहां पहुंच जाना चाहिए और रह के दिखाना चाहिए? बिल्कुल, अब जो सिक्योर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा रखा है वो इसलिए इस्तेमाल करें कि जैसे पैसे की नहीं, वाला इलाका है, तकरीर की कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके लिए मकान खरीदे, इनके लिए प्लॉट्स खरीदे, इसके